एकता कपूर की नागिन फ्रेंचाइजी के सातवें सीजन को लेकर फैंस काफी तड़प रहे हैं। वक्त वक्त पर शो को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स ने ना तो नए सीजन की लीड हीरोइन को लेकर कुछ कहा है और ना ही ये बताया है कि आखिर शो किस दिन आएगा, सिवाय इसके कि शो साल 2024 में दस्तक देगा। लेकिन अब शो के नए सीजन पे एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जो जनता के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। जी हाँ, दरअसल अंदर खाने से खबरें सामने आ रही हैं कि एकता कपूर ने नए सीजन को लेकर एक बार फिर से बिग बॉस 17 के मंच से ऐलान करने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बिग बॉस सीजन 17 भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। हर बार एकता कपूर देश के इस सबसे बड़े रियलिटी शो से अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती हैं। तो वहीं अब जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो ये है कि तेजस्वी प्रकाश, जो कि नागिन 6 की लीड हीरोइन थी, वो बिग बॉस 17 के मंच से नागिन 7 को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हैं। खबरें हैं कि तेजस्वी ही इस बार नई नागिन या फिर शो से जुड़ा कुछ बड़ा तोहफा जनता को दे सकती हैं। आपको बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि तेजस्वी इस बार अपने बॉयफ्रेंड और टीवी एक्टर करण कुंद्रा के साथ शो में बतौर मेंटोर नजर आएंगी, जो कि शो के नए कंटेस्टेंट्स को गाइड करेंगी और उन्हें हर छोटी बड़ी अपडेट्स की जानकारी देंगी। यानी कि बिग बॉस 17 के घर में इस बार बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। लेकिन अब इस खबर के बाद जाहिर तौर पर फैंस में तो क्यूरियोसिटी इस बात की है कि आखिर एकता क्या कुछ करने वाली है नागिन 7 को लेकर बिग बॉस 17 के मंच से। खबरें हैं कि बिग बॉस 17 अक्टूबर मिड में दस्तक देगा। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि तेजस्वी के जरिए इस बार नागिन 7 को लेकर क्या कुछ होने वाला है। क्या तेजस्वी नई नागिन का ऐलान करेंगी या फिर शो की रिलीज डेट को बताएंगी? फिर आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियन, अपनी खुशी जाहिर करें हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में।